नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट 2014 का पेपर है, जून का। जो इससे पहले वीडियो अपलोड किए थे भाग तीन में, उसमें 30 क्वेश्चन थे, उससे आगे के जो है 31 से 60 क्वेश्चन। तो चलिए हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बी बी ई एफ ई आई आई एम एल पी पी की श्रृंखला को निम्न विकल्पों में से कौन एक चयन करके पूरा कीजिए। इसमें देखिए आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए कैसे बैठा है, यहाँ पर दिया है बी बी, ठीक, इसके बाद एफ और ई, बी बी इसके बाद एफ ई दिया है। अब देखिए बी के बाद एक ले जाएंगे इस पर एफ, यानी बी दूसरे नंबर पर है, यानी संख्या जोड़ा जाता है, और एफ जो है छठे नंबर पर है, और बी के बाद एक है ई, ठीक। तो फिर बी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है और ई जो है पाँचवें नंबर पर है, यानी कि इसमें जो है पहले वाले में प्लस चार बढ़ रहा है और दूसरे वाले में प्लस तीन बढ़ रहा है, ठीक। यानी कि इस हिसाब से अगर ये करेंगे यहाँ पर पी पी और टी एस का, तो चार और तीन प्लस का अंतर रहेगा दूसरे सीरीज में, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी टी एस यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया है, 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर तक चलता रहा, अपने घर से कितनी दूरी पर है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस टाइप का मैप बना लेना है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, और इधर पूरब, और इधर पश्चिम, चार दिशा में। देखिए एक आदमी अपने घर से दक्षिण की ओर चला, यानी दक्षिण नीचे की तरफ ये मान लीजिए, और फिर कह रहा है 6 किलोमीटर चलने के पश्चात उसने बाईं ओर, 6 किलोमीटर चलने के पश्चात उसने बाईं ओर जो है मुड़ा, यानी 6 किलोमीटर चला है इसमें और बाईं ओर मुड़ गया है, ठीक, और 5 किलोमीटर चला है। अब दाहिने बाईं इधर आप मुड़ सकते हैं इधर, तो ये 5 किलोमीटर है। इसके बाद दिया है फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, तो यहाँ से फिर ये मुड़ा है यहाँ पर बाईं ओर और ये हो गया है 9 किलोमीटर। इसके बाद पूछ रहा है नौ किलोमीटर अपने घर से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर पूछ रहा है इसकी दूरी ये। इसका सूत्र होता है, मान लीजिए इसको ए बी सी, इसका सूत्र होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस पर आप मान रखेंगे 3 और 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक डाक घर में 7, 8 और 10 मूल्य वर्ग के टिकटें उपलब्ध हैं, कौन सी टिकटें जो है, कौन सी राशि जिससे ये टिकटें नहीं खरीदी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 रुपये की राशि से ये टिकटें नहीं खरीदी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी कोडिंग विधि के अंतर्गत शब्द क्वेश्चन को
डोमेस्टिक के रूप में कोड किया गया है। इसी कोडिंग में शब्द रिस्पांस को क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। रिस्पांस का अगर आप कोडिंग करेंगे ऐसे तो ओ एम ई एस आई सी एम होगा। क्वेश्चन नंबर 35। यदि श्रृंखला 4, 5, 8, 13, 14, 17 और 22 को इसी ढंग में चालू रखा जाए तो निम्नलिखित में से इस श्रृंखला में कौन सा आंकड़ा नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 का आंकड़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 31 आएगा, लेकिन यहाँ पूछा है कौन आंकड़ा नहीं आएगा, तो 35 का आंकड़ा नहीं आएगा, यानी 31 का आंकड़ा यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। यदि दो प्रस्तावों जिनका कर्ता और कर्म शब्द एक से हैं तो उन दोनों को सही माना जा सकता है, परंतु ये दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, इन दोनों प्रस्तावों के बीच के संबंध को क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपविरोधी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए दिया है, एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वह 2 और 7 को छोड़ता है, उनसे गिनती में कितने आंकड़े लिखे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 32 आंकड़े। अब देखिए इसमें जो है ऐसे 12 अंक है जिसमें 2 और 7 आता है, तो मान लीजिए जैसे 52 है, 62 है, यानी इस टाइप का करते हुए, या 57 है, या जो है 70 है, 71 है, यानी ऐसे जो शब्द है यानी अंक आएंगे, ऐसे 18 अंक हैं, यानी 50 में से जब 18 घटाएंगे तो आपका आंसर 32 हो जाएगा। यानी 2 और 7 अंकों को नहीं आना चाहिए 50 से 99 के अंकों में गिनती के लिए। तो ऐसे जो है 18 है, यानी 50 में से 18 घटाएंगे तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो उनके मूल्य में ह्रास हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, सदृशता, यानी उपरोक्त युक्ति को कहा जाता है सदृशता। क्वेश्चन नंबर 39। नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता हो जो अपने में आगनात्मक न हो। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी निष्कर्ष अंततः आधारिका से निकलता है, यानी निष्कर्ष अंततः आधारिका से ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें दिया गया है, नीचे एक रेखा चित्र है जिसमें 3 वृत्त हैं ए बी सी जो परस्पर संबंध है। अब वृत्त ए भारतीयों के किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बी जो है वृत्त वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त सी राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पी क्यू आर एस विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो उस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दर्शाता है वो, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक जो राजनीतिज्ञ न हों रहते हों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल यस, इसमें जो है राजनीतिज्ञ न है, यानी यस ऐसा डायग्राम है जिसमें कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं और इनमें निकले चार निष्कर्ष भी दिए गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो आधार वाक्यों को अलग और संयुक्त रूप से दर्शाए गए कि निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार वाक्यों से ही प्राप्त होते हैं। देखिए आधार वाक्य दिए, सभी कुत्ते संधारी हैं, बी है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब निष्कर्ष निकाला गया इसका, कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं है, कुछ बिल्लियां स्तनधारी हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कुछ बिल्लियां स्तनधारी हैं और कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें एक आधार तालिका दिया गया है और इसको आपको जो है परसेंटेज निकाला जाता है। काफ़ी आसान होता है पैराग्राफ, केवल एक बार समझना पड़ता है इसमें और आसानी से इसको निकाल सकते हैं आप। थोड़ा सा ध्यान देने का किस वर्ष यहाँ पर जैसे दिया है, वर्ष सरकारी नहर, निजी नहर, तालाब, नलकूप, अन्य कुएं, अन्य स्रोत कुल, इसी में से घटाकर परसेंटेज निकाला जाता है यानी कौन सा अधिक है। जैसे इसमें दिया है 42 नंबर, तालिका में दिए गए वर्षों में समर्थकों को देखकर बताइए कि सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार शुद्ध सिंचित क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसको बस घटाना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नलकूप तथा अन्य कुएं। इसी तरह आपको करना है, केवल हम साल दे दे रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस वर्ष शुद्ध कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002-03 में। क्वेश्चन नंबर 44, 1997-98 से 2005-06 की अवधि में सिंचाई के निम्न में से किस स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी या प्रतिशत दर्ज हुई। इसका आंसर हो जाएगा सी, तालाब में। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2002-03 से 2003-04 के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोत से। क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2003-04 में। इस प्रकार इसमें पैराग्राफ देकर आपको जो है निकालना है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 47, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। इसका आंसर आ जाएगा बी, रोम द्वारा। इन रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है, रोम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के तीन के समान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। आईपी एड्रेस इसमें कौन सा होता है, देखिए आईपी एड्रेस में हमेशा डैश डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 202-50-20-148, ये इसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एफ टी पी यानी एफटीपी जो है संक्षिप्त रूप में क्या भाव है। एफटीपी का यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। इसका अगर इंग्लिश में देखेंगे एफटीपी का, यहाँ पर देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का या की छाया बिंदु रेखन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी GUI। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम वेब ब्राउजर है, यानी प्रथम वेब ब्राउजर है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेव, जिसको WW कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेव। क्वेश्चन नंबर 53, लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन है, मान लीजिए कि भारत में बिजली की औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 30 मेगा जूल है, यदि यही इस खपत को कार्बन आधारित ईंधनों से पूरा किया जाए और कार्बन उत्सर्जन की दर 15×10^6 किलोग्राम प्रति किलो जूल हो, तो भारत में प्रति वर्ष कुल कार्बन उत्सर्जन कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 540 मिलियन मीट्रिक टन। अब देखिए बिलियन को बदला जाएगा, जैसे 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है, यानी 1.2×10^8 लिख सकते हैं, यहाँ पर बिलियन है, 1.2×10^8, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 12×10^7। अब इससे आपको कार्बन उत्सर्जन की दर निकालना है, तो 15×10^6 किलो जूल दिया है, अब तीनों को इसमें गुणा करना है, 30 मेगावाट को और 15 जूल, तो आपका आएगा आंसर 540 मिलियन मैट्रिक टन, यानी 30 मेगा जूल को और 15×10^6 जूल को, और ये यानी 12×10^7, तीनों को गुणा करेंगे तो 540 मिलियन मीट्रिक टन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल के समय के नगरीय कोहरे में सर्वाधिक प्रभावित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 56, ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी मलजल का बहिस्राव। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मेथेन। क्वेश्चन नंबर 58, जलवायु परिवर्तन के भावाह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सम्मति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए, इसके आंसर हो जाएगा ए, यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये अधीन कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इसमें तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सुमेलित कर दे रहे हैं हम, बाढ़, तो ए का इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी अति वर्षा एवं जल का असमान वितरण। इसके बाद बी, सूखा कवन हो जाएगा, अपर्याप्त अवधि में वर्षा का न होना। भूचाल इसका 2 नंबर हो जाएगा, धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना। जल ज्वालामुखी तो डी का 3 हो जाएगा, एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, तो ये इसका सुमेलित आंसर। तो ये थे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 का ये आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के आदेश से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।